आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जोश राइडर्स पे। आज आप हमारे सामने देख रहे हैं भारत बेंच की, यार ये बस बहुत ही लंबी चौड़ी ये बस है। और देखो मैं साइड से भी इसका आपको लुक दिखा देता हूँ, भाई बहुत जबरदस्त लग रही है नीले रंग की बस। इस पे जो आपको देखने को मिल रहा है भाई, इस इंटर सिटी स्मार्ट बस ये है। और ये जो है अभय ट्रेवल्स करके ये हैं, उनकी बस है, गाजियाबाद के ऑपरेटर रही हैं, तो काफ़ी बसें हैं इनके पास। और ये भारत बेंच की जो बस है ये यूज़ कर रहे हैं। और आज हमें मौका मिला इस बस के बारे में जानने का, और कैसे जो है इस बस, मतलब ये बस जो है कैसे उनको फ़ायदा दे रही है, क्या चीज़ है इस बस में ऐसी खास जो बाकी जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में वो मतलब नहीं दे पा रहे हैं वो चीज़ें जो ये बस दे पा रही है। और क्योंकि ये इंटर सिटी में चलती है और लग्जरी बस है ये काफ़ी, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने जो है स्मार्ट बस का जो है इन्होंने यहाँ पे ब्रांडिंग कर रखी है स्मार्ट बस के नाम से। और भारत बेंच यार अपने आप में एक जो है मर्सिडीज़ का ब्रांड है, ठीक है, तो इंडिया में भारत बेंच के नाम से है, बाकी यहाँ पे कई लोग जो है लोगों भी चेंज करवा लेते हैं। तो 7200 सीसी में यार ये गाड़ी जो है अपने को देखने को मिलती है, तो काफ़ी पावरफुल जो है ये गाड़ी है। इसके अगर अपन हॉर्स पावर की बात करें तो 241 हॉर्स पावर ये गाड़ी जो है जनरेट करती है, और 850 Nm का टॉर्क जो है ये गाड़ी जो है जनरेट करती है, ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन लगती है यार। देखो इंटर सिटी स्मार्ट बस की इन्होंने जो पूरी ब्रांडिंग कर रखी है कितनी बढ़िया लग रही है, ठीक है। तो इस गाड़ी में अगर देखें यार तो इसका जो चेसिस जो है LPO में आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रंट में यहाँ पे आपको जो है दरवाज़ा यहाँ पे देखने को मिलता है, इसका मतलब ये LPO में डिज़ाइन हुई है। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं फ्रंट जो व्हील है उसके बाद यहाँ पे दरवाज़ा लगाऊं, तो आप वो भी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी लग्जरी जितनी बसें होती हैं उन सभी में आपको जो है दरवाज़ा यार यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, है ना, इसलिए LPO मॉडल में आता है। अंदर से भी अभी मैं आपको दिखाऊँगा, बाकी बहुत ही बेहतरीन बस लगती है यार ये। तो कितने मीटर है ये उसकी बात करें तो भाई 13.5 मीटर ये बस है, ठीक है। और इसमें आपको जो है अलग अलग ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलते हैं, इसमें आप जो है 2x2 का ऑप्शन भी ले सकते हैं। 2x2 में अगर आप लेते हैं तो 53 सीटर इसमें आपको बस जो है मिल जाती है, और जो कि पुश बैक सीट्स के साथ आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप इसमें 2x1 का ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो यानी स्लीपर वाला, तो उसमें 36 स्लीपर आपके इसमें बर्थ जो है बन जाते हैं, जो कि बहुत ही ठीक है, यानी एफिशिएंट है, यानी गाड़ी का आप जब रूट पे चलाते हैं लंबे रूट पे तो उसमें आपको जो है काफ़ी बढ़िया इसमें आपको जो है इकोनॉमी मिल जाती है, यानी आपकी जो बचत है वो काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। अब इन्होंने देखो यहाँ पे अंबे टूर एंड ट्रेवल्स की इन्होंने यहाँ पे अपनी बैजिंग करवा रखी है, तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है यार आपको बैजिंग करवाने के लिए। पीछे से भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ पीछे से क्या कुछ है लुक वाइज। पीछे से भाई बहुत ही बेहतरीन लुक है, जैसे कि मर्सिडीज़ की यार बस जो होती हैं अगर आपने वो देखी हो कभी, तो उसमें भी सेम कुछ ऐसा ही इस टाइप का जो है डिज़ाइन, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। तो चेसिस इन्होंने लिया है, बाकी डिज़ाइनिंग इन्होंने बाहर से करवाई है, ठीक है, लेकिन जो भी डिज़ाइनिंग है बहुत ही अच्छी लग रही है। पीछे आपको जो है सारे यहाँ पर लाइट्स वगैरह मिल जाते हैं देखने को, भारत बेंच की यहाँ पर भी इन्होंने ब्रांडिंग वगैरह करवा रखी है, और एक आपको एमरजेंसी एग्जिट यहाँ पर देखने को मिलता है, प्लस इन्होंने एक सीढ़ी भी यहाँ पर लगाई हुई है ऊपर जाने के लिए, तो जो कि काफ़ी अच्छा ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी पीछे आपको यहाँ पे एक लाइट ऑप्शन लाइट भी दिया हुआ है। तो चारों तरफ से अभी हम बस देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी है, स्लीपर में है ये, और अंदर भी अभी चल के देखेंगे इस बस को। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी यार ये इंटर सिटी स्मार्ट बस की जो इन्होंने ब्रांडिंग कराई है, ये काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। इसकी जो एयर जो सस्पेंशन है यार, इसमें दोनों जो है ना आगे और पीछे दोनों में आपको जो है इसमें एयर सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है विद इंटीग्रिटी के साथ। और साथ ही साथ ना ये क्योंकि 6 सिलेंडर गाड़ी है ये, तो 6 सिलेंडर का मतलब ये हो गया भाई इसमें 6 सिलेंडर हैं, और हर सिलेंडर पे खास चीज़ ये है कि हर सिलेंडर पे इस पर आपको एक जो है इसमें आपको यूनिट पम्प इसमें देखने को मिलता है। यूनिट पम्प का मतलब ये हो गया कि अगर एक सिलेंडर ख़राब होता है, यानी उसका जो पम्प है वो ख़राब होता है बेसिकली, तो आपके पास जो है 5 और भी जो सिलेंडर है वो आपके काम करते रहेंगे, यानी आपकी जो गाड़ी है वो कभी भी रुकेगी नहीं, आपकी गाड़ी कभी भी हॉल्ट पे नहीं आएगी, ये खास चीज़ है इसके अंदर। सर्विस की बात करें यार तो 60,000 किलोमीटर पे इस गाड़ी की जो है सर्विस होती है पहली,
और इसके बाद की जो सर्विसेज होंगी वो होंगी 1,20,000 किलोमीटर पे। और सबसे अच्छी चीज़ यार माइलेज की अगर अपन बात करें ना, तो बाकी जो कंपनियों की जो बसेज आ रही हैं उनसे जो है 15% ज़्यादा इसमें जो है आपको माइलेज इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी बातचीत के लिए हमारे साथ जो हैं अभी इससे पूरी डिटेल देंगे, हमारे साथ कंपनी के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं साथ में, उनसे हम लोग बात करेंगे। तो अंदर से भी बस अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरी, काफ़ी बेहतरीन लग रही है यार। और ये खासकर ये जो कलर है ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे आपको जो है बाकी जो चीज़ें हैं वो उसके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। तो अब इसमें जो पैसेंजर के लिए जो बैग का जो स्पेस रहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कितना रहता है। ये देखिए यहाँ पे आपको दो जो है इन्होंने इस तरीके से बनवाया हुआ है, मतलब बाकी आप अपने तरफ से कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे तो इन्होंने देखो बैटरी के लिए रखवा रखा है, बैटरी के लिए स्पेस है काफ़ी अच्छा खासा। ठीक है, बैटरी है और कुछ सामान है। ठीक है, और इधर जो है लगेज वगैरह के लिए यहाँ पे है, तो लगेज के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे सामान आ जाता है। तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें जगह है दिया हुआ, ठीक है, जिसमें कि लगेज वगैरह आ जाए। तो ये है भाई, तो बाकी ये जो चीज़ें ये कस्टमाइजेबल होती हैं, आप खुद से कस्टमाइज करवा सकते हैं इन चीज़ों को। बाकी उस तरफ से भी सेम ऐसा ही है, तो दोनों तरफ से जो है लगेज को रख सकते हैं आप इस बस में। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी देखो यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ स्पेयर व्हील के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है, और पीछे से भी मैं आपको इसका स्पेस दिखा देता हूँ, पीछे से इसका क्या स्पेस है, कितना स्पेस है। तो भाई पीछे से अगर हम लोग इसको उठा देते हैं तो अपने पास देखो ये इतना काफ़ी अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हालांकि इन्होंने अभी जो है यहाँ पे सीढ़ी रखी हुई है, ठीक है ना, और लेकिन स्पेस आप देखो कितना बढ़िया स्पेस है यार। ठीक है, तो जो पैसेंजर का जो लगेज है वो आप काफ़ी अच्छा खासा इसमें रख सकते हो, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये चीज़ है, और लॉकेबल है, तो कोई ऐसा नहीं कि पीछे से खोल लेगा। तो ये चीज़ क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, देखो जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि इसमें एयर सस्पेंशन सिस्टम दिया हुआ है, तो वो चीज़ बहुत ही सही लगी मुझे। और प्लस देखो आप इसमें यहाँ पे हवा जो है लगती रहे टायरों को, इसलिए देखो यहाँ इन्होंने जो है मड गार्ड में भी इस तरीके से स्पेस दिया हुआ है एयर वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ है। बाकी बात करते हैं और इस बस के बारे में, तो काफ़ी अच्छी बस है। बाकी आप लोग भी कमेंट करिए, अगर आप लोग इस तरीके की बस में अगर किसी ने ट्रैवल किया है तो उसको कैसा एक्सपीरियंस रहा है, वो चीज़ जो है उनको भी हम लोग देखते हैं। तो अब चलते हैं भाई इस बस के अंदर, और इस बस के अंदर देखते हैं कि अंदर में क्या कुछ अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो भाई काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, चढ़ने के लिए ईजी है, फुट स्टेप्स कोई बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं है। चढ़ते अपन जो है यहाँ पे आते हैं, तो भाई यहाँ देखो ड्राइवर के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा ड्राइवर बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे बैठने का दिया हुआ है इन्होंने। प्लस यहाँ पे ये आपका जो ड्राइवर का स्टेयरिंग है, और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल्स हैं। गियर की अगर हम लोग बात करें तो भाई कितने इसमें गियर हैं वो देख लेते हैं। भाई इसमें आपको देखो यहाँ पे 6 गियर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और 6 तो आगे हैं, एक पीछे रिवर्स के लिए है, ये चीज़ें। और ड्राइवर के लिए देखो यहाँ पे पंखा वगैरह ये प्रॉपर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी वाली कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ें और बाकी हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत चैनल पे। तो अमित जी जो है कंपनी से हैं, तो अमित जी थोड़ा सा बताइए बस के बारे में, क्या कुछ है अपना ये जो बस है। सर देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो बस है ये 13.5 मीटर का हमारा चेसिस आता है, जिसपे स्लीपर और सिटिंग दोनों एप्लीकेशन में गाड़ियाँ बनती हैं। अगर आप सिटिंग में जाएंगे तो टूरिस्ट सेगमेंट में 3 सीटें बनती हैं जी, और स्लीपर में जाएंगे तो 2x1 में 36 बर्थ का स्लीपर बनता है हमारा। ठीक है, जो गाड़ी है हमारी, जैसे कि आपने अपनी वीडियो में बताया ही है, ये 6 सिलेंडर में गाड़ी आती है हमारी, 7200 cc का इंजन है, मतलब अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा हॉर्स पावर और इंजन की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा है गाड़ी की। फिर इसके बाद क्या है, ये गाड़ी जो हमारी है फ्रंट और रियर एयर सस्पेंशन के साथ गाड़ी आती है, यानी सफर को आपके आरामदायक बनाने के लिए इसमें इंटीग्रेटेड एयर सस्पेंशन लगे हुए हैं। 241 HP का इंजन है, OM 96 इंजन आता है हमारा, जो मर्सिडीज का खुद का हमारा इंजन है। अच्छा, ठीक है जी। GT5 का गियर बॉक्स है, जैसे कि बताया
दूसरा यूनिटाइज पंप के साथ गाड़ी आती है। यूनिटाइज पंप का मेनली क्या है, हर सिलेंडर पे एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि गाड़ी की फ्यूल इफिशिएंसी को बढ़ाता है, बेटर माइलेज में काम आता है। प्लस उसका काम क्या है, अगर आपकी बाय चांस गाड़ी का कोई पंप खराब होता है, वैसे गाड़ियां 10-12 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं, अभी तक ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है कि आपका कोई पंप खराब हो, बट रियर केसेस में अगर कोई पंप खराब होता है तो आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन नहीं होगी, ठीक है, आपकी गाड़ी 5 पंप पे चलेगी, 5वां खराब होता है तो 4 पंप पे भी चलेगी, आपके गंतव्य स्थान तक आपकी गाड़ी पहुंचा देगी, आपको पहुंचा देगी, बीच में ब्रेक डाउन नहीं होगा, नहीं, ब्रेक डाउन, क्योंकि देखो पैसेंजर जो होता है देखो गाड़ी में बैठा है और वो इस उम्मीद से बैठा है कि भाई वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, और बीच में अगर बस खराब हो जाए तो कितना बुरा लगेगा, बिल्कुल है ना, कोई भी उतरना नहीं चाहता बीच रास्ते में, तो उस चीज का खास जो है ख्याल जो है भारत बेंज ने रखा है कि उसके जो पैसेंजर जो यहाँ पे बैठे हैं, जो लेटे हुए हैं, जो अपने भाई गंतव्य स्थान पे पहुंचना चाह रहे हैं, तो उसको ये बस जो है वहां तक पहुंचा दे, इस बात की जो श्योरिटी है वो भाई वो यूनिट जो प्लेसमेंट हुआ है सिलेंडर्स के ऊपर उसकी वजह से हो पाता है पॉसिबल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ भाई सीट जो आप देख रहे हैं, जैसे कि पुश बैक सीट्स हैं, यानी कि पैसेंजर को पूरा आराम जो है इस बस में देखने को मिलता है, ठीक है। सीट्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ स्लीपर बर्थ की, तो स्लीपर बर्थ में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है, मतलब कि अगर कोई 6 फुट का बंदा भी है अगर वो लेटना चाहे तो आराम से पांव फैला के लेट सकता है, तो इस तरीके से पूरा कंफर्ट का जो है ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ आप देखते हैं एम्बियंट कितना बढ़िया है, यानी लाइटनिंग वगैरह जो है काफ़ी अच्छी इसमें जो है देखने को आपको मिल जाती है, ठीक है, ये चीज़ें। बाकी पैसेंजर को चढ़ने के लिए यहाँ पे सीढ़ी वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें, मतलब बस ऐसी डिज़ाइन की गई है जो कि पैसेंजर को बढ़िया इसमें फैसिलिटी मिल जाती है, कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि माइलेज की कई लोग बात करते हैं, तो माइलेज क्या कुछ रहता है? सर देखिए अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो माइलेज हमारा अदर देन कंप्यूटर हमारा 15% का हमारा फ़र्क आता है माइलेज का। आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर गाड़ी चला रहा है वो सर उसका 70% खर्चा, गाड़ी की रनिंग कॉस्ट जो होती है 70% खर्चा डीजल का होता है। अगर कस्टमर को डीजल में बचत हो रही है तो क्यों गाड़ियाँ नहीं बनाएगा वो? तो बेसिकली क्या है, 15% हमारा माइलेज हम कंपटीशन से ज़्यादा देते हैं गाड़ी, और कम्फर्ट के लिहाज से मैंने आपको बताया दिया है, फ्रंट और रियर एयर सस्पेंशन आता है गाड़ी में, इंटीग्रेटेड रियर सस्पेंशन है, सस्पेंशन में शिकायत नहीं आती है, और गाड़ी की मैंने आपको जो कैपेसिटी बताई है 7200 cc इंजन, और साथ में 6 सिलेंडर में मेरी गाड़ी आती है। और एक बार हम लोग लास्ट में भी देख लेते हैं कि ये जो है क्या कहते हैं इसमें जो वो है ना इमरजेंसी वाला वो कहाँ पे है कैसे, देखो यहाँ पे लास्ट में ना आपको थोड़े बाकी ये इमरजेंसी के लिए है, ठीक है, यहाँ पे भी है दिया हुआ, तो ये है। तो भाई कुल मिला के ये चीज़ है, बस तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ठीक है, और बाकी आप जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो बहुत कमेंट कर सकते हैं कि उनको ये बस कैसी लगी। यहाँ पे जो अपने को ड्राइवर भाई है वो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस बस में कहीं से कहीं तक भी कैप्टन की सीट यहाँ पे दी हुई है। और तो ये है भाई अंदर से इंटीरियर, मैंने आपको दिखा दिया इस बस का। और अगर अपन जो है इसकी प्राइसिंग की बात करें अमित जी, कोई लोग प्राइसिंग को लेकर थोड़ा सा जानना चाहेंगे एक मोटा मोटा अंदाजन, क्योंकि प्राइस वैसे चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से क्या प्राइस जो रहेगी इस बस की अगर कोई इसका चेसिस लेता है? सर देखिए अगर प्राइस वाइज बात करूँ तो प्राइस क्वार्टर वाइज चेंज होते रहते हैं, कोई एक ऐसा प्राइस नहीं है कि मैं ऐसा कोई आपको प्राइस दे सकूँ, बट अगर वैसे प्राइस की बात करूँ तो मेरी रिटायर्ड गाड़ी करीब करीब 47 लाख के आसपास की मेरी गाड़ी 47 लाख के करीब 47 लाख के आसपास का चेसिस जो है 47 लाख का मिलेगा आपको, और ऊपर से आप जो है ये इसकी जो है डिजाइनिंग वगैरह आप करवा सकते हैं, ठीक है, वो डिजाइनिंग वाइजिंग करवाने के बाद जो है करीब आप मान के चलो आपको ये बस जो है अप्रोक्स कितने तक में पड़ जाती होगी? सर देखिए डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर, अलग अलग बॉडी बिल्डर हैं, अदर फैब्रिकेटर्स हैं, तो सभी के प्राइस वगैरह अलग होते हैं, तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है वो गाड़ी कहाँ बनवाना चाह रहा है, स्लीपर के रेट अलग होंगे, सिटिंग प्लस स्लीपर के रेट अलग होंगे, और कॉम्बो के रेट अलग होंगे, तो ये कस्टमर की चॉइस होती है। अगर वैसे बॉडी की बात करना चाहूँ तो बॉडी 20 लाख से लेकर सर 35 लाख के आसपास की बॉडी बनती है विदेश। अच्छा अब जैसे ये वाली जो बॉडी है ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, है ना, तो अगर कोई सेम ऐसी ही बॉडी अगर बनवाना चाहे तो क्या रहेगा उसका मोटा मोटा खर्चा? लगभग लगभग मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, ये लगभग लगभग 30-35 लाख के आसपास के आपकी आसपास की बॉडी रहेगी। तो यानी ये जो इतनी डिपेंड करता है बॉडी बिल्डर पे भी, वो नीचे भी जा सकता है ऊपर भी।
तो यार ये जो बस है, मतलब आप लोग जो देख रहे हो यार, बहुत ही बढ़िया लग रही है। इसको आप डिज़ाइन आप करवा सकते हो, इसमें आप अपनी खुद की ब्रांडिंग यहाँ पर करवा सकते हो, ठीक है। और स्लीपर है तो ऊपर जैसे इन्होंने लिखवा रखा है ना, वो सारी चीज़ें आप जो है ब्रांडिंग अपनी करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के ये चीज़ है। बाकी इसमें अगर हम लोग डीजल टैंक वगैरह की बात करें सर, तो कितना क्या रहता है डीजल टैंक? सर इसमें जो हम डीजल टैंक देते हैं वो 380 का देते हैं। 380 लीटर का इसमें डीजल टैंक मिलेगा। और यूरिया जो आता है एडब्लू, यूरिया आपका 55 लीटर का है। 55 लीटर का यूरिया टैंक आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। ये चीज़ें और चेसिस इसका काफ़ी, भरत बेंच का भी काफ़ी बढ़िया चेसिस आता है। 2.95, 80, 75, 22.5 इंची का रिम होता है। अच्छा 22.5 इंची का है, सॉरी, ठीक है, ये टायर है। तो कुल मिला के ये चीज़ें हैं। अगर आप भी इस तरीके की बस लेना चाह रहे हैं और ये चीज़ें हैं, तो अमित जी से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अमित जी का जो नंबर है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ और स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो आप अमित जी को कॉल कर सकते हैं इस बस की चेसिस के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए यार दोस्तों के साथ, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। और अमित जी आप हमारे चैनल पे आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक गाड़ी ध्यान से चलाइए। बाय।